लो सर, ये पकड़ लो देखिए सर। देखिए आज हम लोग जो है एक्सप्रेस वे लखनऊ एक्सप्रेस वे से जो है होते हुए इटावा एक्सप्रेस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से होते हुए इटावा जा रहे हैं। रास्ते में ये एक बहुत बड़ा घनेरा पीपल का पेड़ है जो कि एकमात्र चाय की दुकान एक्सप्रेस हाईवे के किनारे है। आज हम लोग इधर जरा चाय की दुकान दिखा दीजिए, जरा उधर चाय की दुकान और ये पीपल का पेड़। पीपल का आज हम लोग प्योर मूंगफली कच्ची मूंगफली खाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। आज हम आपको बताएंगे ये जो आगरा एक्सप्रेस वे से करीब इटावा से 70 किलोमीटर पहले एक खेत है मूंगफली का, जो जिसमें हम लोग जो है आज चल रहे हैं मूंगफली चल रहे हैं। हमारे ये तीन साथी जो है मूंगफली चरने आए हुए हैं और गांव के कुछ बच्चे ये देखने आए हुए हैं। हमारे ड्राइवर साहब, ये हमारे ड्राइवर साहब भी मूंगफली देखने आ रहे हैं। इनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, इन्होंने काफ़ी कम समय में जो है हमें इटावा पहुँचा दिया है। और ये मूंगफली जो है आप देखिए कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। ठंडी के टाइम में जो आप मूंगफली खाते हैं इसको कहीं कहीं काजू बादाम बादाम भी बोला जाता है, जैसे बनारस वनारस साइड में। और ये देखिए ये मूंगफली लगी हुई है, इसमें ये मूंगफली का पेड़ है जो कि जैसे आप लोग साग खाते होंगे सोया मेथी का, तो ये जो है मेथी, सोया मेथी, मेथी जैसा लग रहा मेथी था। जैसा है, बहुत लोग इसको कंफ्यूज ना पहले पहले मैं भी बना के ना हो गया था, बाद में मुझे पता चला जो नहीं तो जो है जो पेट जो है खराब हो सकता है इसका, और जानवर जैसे गोबर करता है तो गोबर भी कर सकते हैं जो ये खाएंगे साग बना के इसका। तो इसलिए जो है हम मेहरबानी करके इसका जो ये जड़ है मूंगफली इसको खाएं, इसका सोया समझ के इसका साग ना खाएं। धन्यवाद। बंद हो गया।